स्टार्ट अपनी गैस का सबसे वेलकम बैक टू माई वीडियो। इस वीडियो में अगर तो फोन में पिक्सल मोड कैसे खेल पाओगे, जावा का पिक्सल मोड फोन में कैसे रन कर पाओगे पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करो, मेरा न्यू डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना भूलना मत, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, 150 फॉलोअर्स होने वाले। प्लस इसमें आप सब कुछ कर पाओगे, पिक्सल मोड पूरा ऑफिशियल पिक्सल मोड ही है, देख लो भाई पूरा सब कुछ है। मैंने अभी भी डिग्लेट पकड़ा 50 लेवल का, लकीली मिल गया। एंड प्लस आपको एक सस्ता सा क्रैक सर्वर बता दो जिससे आप बिना अकाउंट का भी खेल पाओगे। एंड अगर आप चाहो तो किसी ऑनलाइन बंदे का नाम यूज़ करके उसका स्किन बेस यूज सर्वर में यूज़ कर पाओगे, ये ऐसा सर्वर है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोजा लॉन्चर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसके बाद क्रोम पे आते हैं, आपको पिक्सल मोन रिपोर्ट्स ये सर्च कर देना है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे फर्स्ट बटन से, एंड न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो नीचे वाला 4G भी डाउनलोड कर लेना, तो डायरेक्टली एक ही पेज से आपका काम हो जाएगा। 4G वर्जन भी आपको यहाँ से ही दे रही है ये वेबसाइट। तो कोने में एक स्किप का बटन आएगा, एक्चुअली ये ऐड आ रहा है, लेट्स इग्नोर इट, स्किप स्किप, एंड डाउनलोड हो जाएगा ये ऐड। एक्चुअली ऑफिशियल 4G की वेबसाइट का ही है। एंड ये पिक्सल मोन का टैब, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर देते हैं। एंड देखो डाउनलोड हो गया, दोनों फाइल डाउनलोड हो रहे हैं। एंड अगर चाहो तो आप पिक्सल मोन का sports.com से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी एक माइनक्राफ्ट मोड्स का वेबसाइट है अच्छा सा। प्लस उसको PC में भी यूज़ कर सकते हो, टी लॉन्चर वाले बंदे को भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पिक्सल मोन कुछ कुछ मोड्स आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो अच्छे खासे से। ये वाले जस्ट इनफ रिसोर्सेज 1.12 वर्जन का डाउनलोड कर देना, नहीं मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, इजी पीजी आपका काम हो जाएगा। पिक्सल मोन ने सर्च किया, देखो ये आ गया पिक्सल मोन, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेटेस्ट 1.12 का वर्जन भी है, चाहो तो उसका मोड पैक डाउनलोड कर लो। मोड पैक का सर्वर फाइल डाउनलोड करना, डायरेक्ट मोड पैक नहीं डाउनलोड कर पाओगे आप कर्स फोर्ज की वेबसाइट से। ये दो वेज है इसको डाउनलोड करने का, एंड फोर्ज भी आपको लेटेस्ट वर्जन लेना पड़ेगा 16 है एंड में। पोजा लॉन्चर को रन करना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बोल दिया मैंने, तो इसको बेसिकली आप प्ले स्टोर वाला वर्जन मत लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में एक दे दूंगा वो वाला लेना। देखो प्ले स्टोर वाला वर्जन में ना अभी लेटेस्ट वर्जन आप ऑफलाइन अकाउंट में डाउनलोड नहीं कर सकते कोई भी वर्जन, एंड दैट्स वाई मैंने ये दिया है। फॉर एग्जांपल मतलब मैं दूसरा दे दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोज इंस्टॉल करना है, एंड देखो फोज आ गया इंस्टॉलर, ओके कर दो, थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कोई भी अलर आया ना, एरर सॉरी, तो आप फोज का जो भी फाइल है ना वर्जन फोल्डर में उसको डिलीट कर देना। सारे फाइल के लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इसी पे से मिल जाएगा। देख लो फाइल का लोकेशन डेटा में ये वाले फाइल है, एंड पॉज करके देख लेना नाम अगर नहीं मिला तो, एंड आपका वर्जन फोल्डर में अगर एरर हुआ तो डाल देना। बट जैसे फोर्ज को एक बार रन करोगे मोड्स का फोल्डर में आपको डाल देना है। चाहो तो मोड्स के फोल्डर में आप सब फाइल्स पे बना सकते हो, जैसे मैंने बना के रखे हैं, जैसे कौन से वर्जन पे आपको करना है उसके ऊपर रहता है। तो मैंने 1.12 का किया, तो उसके अंदर 1.12.perfect नाम से आपको एक फोल्डर बना देना है, उसके अंदर जो भी मोड डालना कर सकते हो। तो आप मल्टीपल वर्जन पर अलग अलग मोड्स को यूज़ कर पाओगे, ये एक छोटा सा टिप था। देखो तो ऑफलाइन अकाउंट में दूसरा वाले बीटा वाले पे आ गया पोजा लॉन्चर, एंड लॉन्च हो गया गेम, देख लो भाई मस्त चल रहा है मेरा 4GB रैम का फ़ोन है तो भी अच्छा चल रहा है। एंड ये पोकी सागा एक सर्वर है, MC कॉम्प्लेक्स करके एक सर्वर है, पर ये वाला सर्वर जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये क्रैक्ड सर्वर है पिक्सल मोन का, आप लोग खेल पाओगे इजीली। लेट्स गो इन दिस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कर देना वीडियो को, देख लो भाई जगह नहीं बचा स्क्रीन पे, बट जैसे आप आओगे चाहे। देखो बीच में सब्सक्राइब लिखा है मेरा, आपका यूज़र नेम आएगा, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, तो आपको कमांड डालना पड़ेगा /register, आपको कुछ भी पासवर्ड रखना है 1234, आपका कुछ भी सीक्रेट जो भी रखना है रख सकते हो। फिर उसको एक बार रिपीट कर देना है, जैसे मैंने अभी वीडियो के लिए /register करके सब टू मी IG लिख देते, एंड उसको वापस रिपीट करना। इस बीटा वर्जन में आप कीबोर्ड ओपन मत करना, आपको मतलब थोड़ा बगी हो जाएगा चैट, फिर आपको वापस डालना पड़ेगा। इसलिए प्ले स्टोर वर्जन अगर आपका पास नहीं है तो, एंड वापस आप एक और बार लॉगिन करना पड़ेगा जैसे आप रजिस्टर कर दिए। ये थोड़ा मतलब सिक्योरिटी के लिए रहता है, ताकि आपका यूज़र कोई आपके एजेंट पर कोई दूसरा ये खेल लेना है, दैट्स वाई। एंड देखो लॉगिन सक्सेसफुल चैट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा नीचे, एंड मैंने जो भी सब्सक्राइब नाम रखा तो मेरे को उस बंदे का ऑप्टिफाइन केप एंड एक्सेट्रा आ गया सब कुछ। ऑप्टिफाइन केप नहीं, माइग्रेशन केप, जो मेरे पास होना नहीं चाहिए था, बस उस बंदे का आ गया, सर्वर के प्लगइन्स के वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ आपको दो सर्वर मिलेंगे, पिक्साडेक्स एंड पिक्सा कोर, मैं बोलूँगा कम वाले में चले जाओ।
लैग कम होएगा बेसिकली, अगर आपका लैगिंग इश्यूज है थोड़ा स्पैम क्लिक कर देना, आराम से पहुंच जाओगे इधर। एंड रेंडर हो रहा है, ओके वी आर हियर, तब तक के लिए आप ब्लू कलर सेलेक्ट कर लो। ओके अरे यार कैमोफ्लेज हो गया, तो भी लाइक कर दो अब तक किया नहीं है तो। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना भूलना मत, पिक्सल माउंट का आ गया मैं देख लो। एंड मैंने अपने फ़ोन में भी चलाया बट मेरे फ़ोन में इतना चला नहीं क्योंकि मेरा जूना फ़ोन है, मेरे मम्मी के फ़ोन में अच्छे से चल रहा था। इधर लेटेस्ट जेन 9 के पोकेमॉन्स भी है, स्कोर बनी एंड एक्सेट्रा। बताओ किस किस ने सीरीज़ देखा ये वाला जर्नीज, मैं अभी अल्टीमेट जर्नीज देख रहा हूँ। ओके मैं आ गया इधर, एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, इधर आते भी एक और बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सेम पासवर्ड रखने तो रखो, अलग रखने तो रखो, आपके ऊपर है। सो मैं वापस रजिस्टर कर देता हूँ इधर स्लैश रजिस्टर, मैं अभी के लिए सेम रख देता हूँ, सब टू मी एंड या थोड़े कीज़ आप बाइंड कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा कीज़ ऐड कर देना अपने पूजा लॉन्चर में, जैसे यू आर। स्क्रीन के नीचे भी थोड़े और कीज़ है तो आप डाल देना आपके हिसाब से, अगर आपको चाहिए रहेगा। जैसे आर से आर क्लिक करूँ तो मेरा पोकेमॉन बाहर निकलेगा जो मैं फर्स्ट स्लॉट पर रखा हो, एंड आप उसको भी अप डाउन कर सकते हो, मतलब कौन सा पोकेमॉन निकालना है, उसकी भी अलग अलग कीज़ आप कंट्रोल्स वाले पे आके चेक कर सकते हो मोड रनिंग के टाइम। एंड यहाँ सर्वर में स्लैश आरटीपी करके आप रैंडम नेट के इधर भी टेलीपोर्ट हो जाओगे, कुछ 5 से 10 मिनट का कूल डाउन रहता है। सो एट दैट टाइम आई कैन यू कैन शेयर माई वीडियो प्लस एक्सप्लोर कर देना। एंड ओके मैं केव में स्पॉन हो गया, मोस्टली ऊपर ही होते केव में, कभी कभी कर लेते पर आपका ही फ़ायदा। इधर देखो देखो मुझे ये मिल गया, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं यार फायर शार्ड, एक्चुअली फायर स्टोन शार्ड। ओके तो ये जैसे 9 हो जाएगा, एक मैं फायर स्टोन बना पाऊँगा एंड अपने कोई भी पोकेमॉन को इवॉल्व कर पाऊँगा फायर टाइप, नॉट ए स्टार्टर बट कर सकते हैं। प्लस अगर आप साइड का वो JER वाला मोड है, जस्ट नॉट एन रिसोर्स, वो यूज़ कर सकते हो। यू दबाते हैं मेरा यूज़र इन्फॉर्मेशन, कितने 6 पोकेमॉन सब मेरे दिखेंगे, मेरे पास कितने पोकी कॉइन्स है एक्सेट्रा, सब कुछ दिखेगा इधर। यू की से नीचे भी और कीज है अपने, के आई से आपका पोकेडेक्स खुल जाएगा। सो देखो भाई ये खुद ही लड़ने आ गया। ओके अगर मैं इस पर आर फेंकता था तो मेरा पोकेमॉन डायरेक्ट बैटल होता था, वो वैसे ज़्यादा लेवल का मेरे 32 लेवल का, बट फाइट करते उससे। डिग्लेट ने सैंड अटैक यूज़ किया, ओके टैकल भाई उसको तो कुछ लगा ही नहीं यार, 6% हेल्थ भी नहीं गया उसका, 6% ही गया पूरा तरह से तो नहीं गया। प्लस अगर आप राइट क्लिक करके अगर थोड़ा स्क्रीन टर्न करोगे ना, आपका स्क्रीन पूरा मतलब सब दिखेगा, मेरे को इस टाइम आ नहीं रहा था। राइट क्लिक करके आप बस मजा स्क्रीन पर स्वाइप करो, आपको पूरा 360 रिव्यू आप देख सकते हो मैच के बीच में, एकदम स्पेक्टेटिंग टाइम एंड मेरा पोकेमॉन आउट हो गया। बट कोई बात नहीं, इस डिग्लेट पे पोकेबॉल फेंक के देखते हैं, राइट क्लिक करके हाथ में पोकेबॉल उसके ऊपर चले जाएगा, ये नहीं आया तो इसके ऊपर फेंकते हैं। इसने तोड़ दिया, चैट बॉक्स में भी लिख के आ गया एंड लेट्स सी। ओके गाइस वी गॉट अप भाई, स्टार्ट में 50 लेवल का मिल गया। ओके इसको ऊपर कर देते हैं, 51 लेवल का है। आर दबा के ओ ये तो एक ही बैटल में इवॉल्व हो जाएगा आई गेस, बट ओके वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर जो सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड एक हैंड कैम गेम प्ले भी देख लो देखना है तो।